हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। आप सब कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी इसको बोलते हैं, इज अ हाईली इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और नर्व्स एंड हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। देखिए, नर्वस सिस्टम क्या है, एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, एक आप कह सकते हैं कि जाल है तारों का, ठीक है, और उसकी एक छोटी यूनिट है न्यूरॉन्स। नेटवर्क जैसे हमारा लाइट में होता है, तार आना जाना, रेड ब्लू ग्रीन, बहुत सारे तरह के तार होते हैं और उनका एक नेटवर्क यानी जाल टाइप बिछा रहता है। तो वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का जाल बिछा रहता है और इसकी नर्वस सिस्टम की एक सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हमारी बॉडी में सबसे छोटी इकाई होती है सेल, उसी तरह से नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट और सबसे छोटी यूनिट आप कह सकते हैं न्यूरॉन। अब इसका काम क्या होता है, दे कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। टू एंड फ्रॉम का मतलब है डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल भेजना और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से दोबारा बॉडी पार्ट्स को सिग्नल रिसीव करना, यानी भेजना और लाना, दोनों तरह के काम न्यूरॉन्स करते हैं। नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आपको इस फ्लो चार्ट से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले हमारा है नर्वस सिस्टम, उसके दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाम से पता चल रहा होगा, पेरिफेरल मीन्स आउटर एंड सेंट्रल मीन्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट तो पूरा ही है लेकिन मेन, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फॉर टू पॉइंट्स या टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल में भी दो हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमा मींस बॉडी, तो सोमैटिक यानी बॉडी से रिलेटेड, एंड ऑटोनॉमिक और नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑटोमैटिक यानी अपने आप जिसका कंट्रोल हो, ठीक है, तो वो हो गया हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके फर्दर दो पार्ट है, सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक। सिंपथेटिक का मतलब है इंक्रीज करना, बढ़ाना, एक्साइट करना। जैसे हम कोई एग्जांपल के हम चल रहे हैं, अचानक कुछ आ जाए तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम एक्साइट हो जाते हैं, हम काम करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, तो दैट कंट्रोल्स अंडर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। कोई काम फिनिश होने के बाद बॉडी कम्स टू नॉर्मल, ये किसका काम है, पैरासिंपथेटिक का, यानी कि इन्हें इनहिबिट करना, उसको नॉर्मल करना, जो ऑलरेडी एक्साइट हो चुकी है बॉडी या बॉडी में जो एक्साइटमेंट है उसको नॉर्मल करना, ये सारा काम आएगा आपका पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके दो पार्ट हैं, एक तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट, एक तरफ पेरिफेरल के, उसके भी दो हैं, उसके भी दो हैं, इस तरह से आप इजिली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन, जिसके बारे में हमारी आज की वीडियो है। इट इज द माइन्यूट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो मैंने अभी अभी बताया कि सबसे छोटी इकाई है ये नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड कंडक्टर सेल दैट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्सिस। देखिए, ये स्पेशलाइज्ड कंडक्टर है, आप कंडक्टर यानी कि एक प्लेयर है जो क्या काम करता है, रिसीव करने का और ट्रांसमिट करने का, यानी लेने देने का, सेल्स सिग्नल्स को रिसीव करना और सिग्नल्स भेजना भी, दोनों तरह के काम करते हैं। और किस तरह के सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल दोनों टाइप। न्यूरॉन हैज थ्री पार्ट्स, द बॉडी, डेंड्राइट एंड द एक्सॉन, जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसके फर्दर पार्ट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी की, पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, तो न्यूरॉन में भी ये बॉडी है और ये न्यूक्लियस है। बॉडी क्या है, कंट्रोल सेंटर विद न्यूक्लियस, ये पूरे इसका कंट्रोल सेंटर है, किसका, न्यूरॉन का, और साथ में है इसके न्यूक्लियस लाइक अदर सेल्स इन द बॉडी। अब एक्सॉन की बात करते हैं, इट इज अ थिन लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अनदर न्यूरॉन और टिश्यूज, यूजुअली वन एक्सॉन पर न्यूरॉन। ये देखिए, ये जो है आपका ये एक्सॉन मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, यहां से लेके पूरा एक्सॉन ही है और इसके ऊपर स्क्वान सेल्स, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रणवियर के जो कवरिंग्स हैं, क्यों, ताकि इसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, इसके ऊपर कोई आंच ना आए। तो एक्चुअली जो इसके अंदर का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ये क्या है, आपका थिन स्ट्रक्चर है और इसका काम तो मैंने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेंड्राइट्स।
अभी मैंने बताया द बॉडी द एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, इन तीनों से मिलकर बना होता है हमारा न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। तो डेंड्राइट्स क्या है? इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेंड्रा। डेंड्रा मीन्स ट्री। अभी आपने देखा भी होगा प्रीवियस स्लाइड में कि ट्री लाइक ब्रांचेस होती है डेंड्राइट्स। आप देखना कहाँ लिखा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे स्प्रेड कर रखे ट्री लाइक ब्रांचेस। इट इज थिक एक्सटेंशन विद मैनी ब्रांचेस। इट्स फंक्शन इज टू कैरी अ नर्व इम्पल्स इनटू द सेल बॉडी। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है अलग अलग ब्रांचेस से सिग्नल्स कलेक्ट करना और नर्व इम्पल्सेस कहाँ भेजना, बॉडी में। मोटर न्यूरॉन्स हैव मल्टीपल थिक डेंड्राइट्स बट सेंसरी न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज बहुत ही नोट करने वाली है। मोटर न्यूरॉन्स यानी जो मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं वहां पर मल्टीपल टाइप के जो है डेंड्राइट्स होते हैं, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन यानी सेंस से रिलेटेड, सेंसेस से रिलेटेड जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें केवल सिंगल डेंड्राइट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है याद करने वाली। ईच न्यूरॉन इज कवर्ड विद वाइट सेगमेंट विद माइलिन शीथ, जिसको हम बोलते हैं स्क्वान सेल्स। अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। अराउंड एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ टर्मिनल एंड एट द रोड ऑफ रणवियर। न्यूरॉन वेरी इन शेप, कैरेक्टरिस्टिक साइज एंड लेवल ऑफ कंसेंट्रेशन एज पर लोकेशन एंड फंक्शन इन नर्वस सिस्टम। ये अलग अलग पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज एंड लेवल ऑफ कंसेंट्रेशन, की कहाँ पर कितने इनका कम है ज्यादा है लेवल ऑफ कंसेंट्रेशन, उसके हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, ब्रेन में हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन टू 1 ट्रिलियन, यानी कि इतने ज्यादा मात्रा में न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। इन द बॉडी यानी कि नॉर्मल बॉडी में न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। न्यूरॉन जो है फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से बॉडी में क्लासिफाइड होते हैं। यहाँ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के हिसाब से मल्टीपोलर, बायपोलर एंड यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। मल्टीपोलर क्या है? वन एक्सॉन एंड सेवरल डेंड्राइट्स। एक्सॉन एक ही है लेकिन डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल ब्रेन जो अभी अभी मैंने आपको बताया एंड स्पाइनल कॉर्ड। बायपोलर मतलब वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, दो चीज हो गई। एग्जाम्पल रेटिना ऑफ आई, इनर ईयर, ऑल्फैक्टरी और स्मेल एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स की। वन प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेल बॉडी एज एक्सॉन एंड अदर फंक्शनिंग एज डेंड्राइट, एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड। यूनिपोलर का मतलब है एक ही एक्सटेंशन है सेल बॉडी से। कौन सी सेल बॉडी से? न्यूरॉन की सेल बॉडी से एक ही एक्सटेंशन बाहर जाता है, उसको एक्सॉन बोलो या फंक्शनिंग के आधार पर चाहे उसको डेंड्राइट बोलो, यानी एक ही एक्सटेंशन होता है। और जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म, न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड एज सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन। देर आर नोन एज रिसेप्टर्स, यानी कि जो रिसीव करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या करती हैं? रिसीव करती हैं। तो वहां पर ऐसे ही न्यूरॉन होंगे, ऐसे ही एक्सॉन होंगे जो रिसीव करेंगे। एंड प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स, दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम एनवायरमेंट एज पर देयर टाइप एंड लोकेशन, यानी हमारे वातावरण से, एनवायरमेंट से, उनकी टाइप और लोकेशन के हिसाब से वो सिग्नल रिसीव करते हैं। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज इंट्रोसेप्टर्स, एक्सट्रोसेप्टर्स एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स। जो सेंस ऑर्गन्स में जो न्यूरॉन होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। इंट्रो मींस जो अंदर, अंदर कहाँ पर? बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, टंग, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड अदर बॉडी पार्ट्स। बट एक्स्ट्रो मींस बाहर, एक्स्ट्रो यानी कि आउटर सेंस ऑर्गन्स, एग्जाम्पल आईज, ईयर्स, नोज, माउथ एंड स्किन। एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स नर्व एंडिंग्स कनेक्टेड टू ज्वाइंट्स, मसल्स एंड टेंडन्स। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टर्स मॉनिटर काइनेस्थेटिक सेंसेशंस दैट कीप द ब्रेन इन्फॉर्म्ड अबाउट द मूवमेंट्स बीइंग परफॉर्म्ड। और ये स्पेशलाइज्ड टाइप के होते हैं जो हमारी काइनेस्थेटिक सेंस को डेवलप करते हैं, और यू कैन से कि ऐसे बॉडी मूवमेंट्स फील करवाते हैं जो स्पेस में होते हैं, या बोल लीजिए कि हम विदाउट सीन इनको फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल इज जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस। अगर आपने देखी हो सोल्टोज करते हैं, फ्रंट सोल्टो, बैक सोल्टो, दैट टाइम बॉडी पार्ट्स जो होते हैं हमारे, उनको जो परफॉर्म करने वाला होता है
वो फील करता है कि यस माय बॉडी पार्ट्स मींस माय लेग्स हैंड्स आर बेंडिंग, मूवमेंट है उनका बेंड हो रहे हैं, स्ट्रेट हो रहे हैं, कि मुझे क्या करना है, वो एक्सपीरियंस से आता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। और जंप करते हैं तो फर्दर माय लेग्स आर बेंडिंग, माय टोज आर स्ट्रेस्ड और नॉट, ये सारी जो बॉडी पार्ट्स की जो फीलिंग है स्पेस में कह लीजिए, स्पेस मतलब जब हम जंप करते हैं हम जमीन छोड़ चुके होते हैं, जंप में जो हमारा मूवमेंट है वो सारी जो मूवमेंट की जो नॉलेज होती है हमें वो काइनेस्थेटिक सेंसेशन में आती है एंड इट इज ड्यू टू प्रोप्रियोसेप्टर्स। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखी हैं दो स्टार बना के, ये आप देखिए, ईयर्स एंड आईज आर नोन एज डिस्टेंस रिसेप्टर्स, अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड न्यूरॉन्स इज नोन एज न्यूरल सर्किट। और अगर न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं आपस में ग्रुप वाइज तो उसको न्यूरल सर्किट भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की, दीज आर प्रेजेंट इन मोटर कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अफेक्टर्स ऑर्गन स्पेशली मसल्स एंड ग्लैंड्स। मोटर मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, यानी मूवमेंट से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड कहाँ पर होंगे आपके मसल से रिलेटेड। दीज न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्सिस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू स्केलेटन एंड स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ होती है, स्टमक में, इंटरनल ऑर्गन्स में, सो डायरेक्टली कंट्रोल ऑल मसल मूवमेंट्स। थर्ड है हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन, अ नर्व सेल कन्फर्म टू सेंट्रल नर्व सिस्टम दैट कन्वेज इम्पल्सिस इन एन आर्क, यानी कि एक आर्क फॉर्म में ये होती है फ्रॉम सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन्स। एसोसिएशन नर्व, एसोसिएशन न्यूरॉन्स जो है सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन्स एक आर्क फॉर्म में होती है और सिग्नल को ट्रांसमिट करती रहती है। इंटर न्यूरॉन्स कनेक्ट न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स इन साइड द सेम रीजन ऑफ ब्रेन। और जब इंटर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, ब्रेन के अंदर ही दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होना, उनके सिग्नल लेना, उनको सिग्नल देना। फिर से मैंने दो स्टार बना के हाईलाइट कर रखी है, ये लाइन जरूर याद रखना। न्यूरॉन सिग्नल टू अदर सेल्स थ्रू फाइबर्स, यानी कि एक्सॉन्स। केमिकल्स या फिर इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं आर रिलीज्ड एट गैप, और गैप को क्या बोलते हैं हम, सिनेप्सिस, जो आप आगे पढ़ेंगे। दीज कम्युनिकेशंस टेक मिलीसेकंड्स। देखिए न्यूरॉन्स सिग्नल देते हैं दूसरे सेल्स में किसके थ्रू, एक्सॉन के थ्रू, और वो सारा काम कहाँ पर होता है, गैप्स में। न्यूरॉन्स जंक्शन जो होते हैं, यानी कि एक दूसरे जो कनेक्शन होता है उसके बीच में जहाँ गैप होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं, उनमें ही जो सिग्नल्स है इलेक्ट्रोकेमिकल्स वो ट्रांसमिट होते हैं, आते हैं, सारा प्रोसेस वहीं होता है। एंड दीज कम्युनिकेशंस बहुत ही कम समय, यानी कि मिली सेकेंड्स लेते हैं। सी द अदर लाइन, अदर नेम्स ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरोन रिले, इंटर न्यूनशियल कनेक्टर, इंटरमीडिएट, लोकल सर्किट एटसेट्रा। आगे बात करते हैं एमसीक्यूज की, मैच द फॉलोइंग, क्या मैच करना आपको, न्यूरॉन्स विद देयर लोकेशन। न्यूरॉन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कौन सा न्यूरॉन किस लोकेशन पर है उसको ही आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं। यूनिपोलर आपको समझ में आ गया होगा, एक ही एक्सटेंशन है, चाहे उसको आप एक्सॉन समझ लीजिए चाहे डेंड्राइट समझ लीजिए। तो यूनिपोलर आपके मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। बाइपोलर यानी कि एक एक्सॉन एंड एक डेंड्राइट, दो चीज हो गई। तो इसका मैचिंग है आपका आई यानी रेटिना, इनर ईयर, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। थर्ड है मल्टीपोलर, वन एक्सॉन एंड वेरियस डेंड्राइट्स, ये बेस्ट एग्जांपल है ब्रेन। एंड सेंसरी न्यूरॉन्स यानी प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू परसीव पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड दैट ऑफ द लिम्स इन स्पेस इज नोन एज काइनेस्थेटिक सेंस। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस, और यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिया है, यू नो दिस जंप व्हाट इट इज, इट इज बर्पी जंप। तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन इसलिए किया है, इसमें हैंड्स का, आईज का, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है और ये सारा हमारा ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो ये स्टार्टिंग पोजिशन है, दिस इज फर्स्ट पोजिशन स्क्वाट, एंड आफ्टर स्क्वाट थ्रस्ट बैक एंड अज्यूमिंग द प्लैंक पोजिशन। उसके बाद दोबारा से पोजिशन वन की तरह आना, यानी कि स्क्वाट पोजिशन में आना, एंड फ्रॉम देयर जंप। तो ये सारा आपका हो गया बर्पी जंप, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बॉडी कोऑर्डिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर इसमें कोई भी कमी लगती है या आपको कोई कमेंट करना है आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, dropifoki@gmail.com। और अगर आपको कोई और कमेंट करना है डायरेक्टली भी आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।